फिजा तुम्हारी तरफ आ गई। मैं अपनी दुकान पीछे लेके जा रही हूँ क्योंकि मेरी चीजें कुछ ज़रा मेडिकेटेड हैं, समझने वाली है। ठीक अच्छा दुकान खुल गई। चल भाई फिजा, टाइम नहीं होता ना। फिजा की भी स्किन हमेशा से अच्छी रही है और तुम बिल्कुल ख्याल भी करती हो, मेंटेन भी करती हो, तो तुम्हारी भी जरूरी है। ये सारी चीजें मैं फराल पे भी इस्तेमाल करती होती हूँ मोस्टली। ठीक है अच्छा मैं क्या क्या करती हूँ वो सब कुछ नहीं मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ। मैं सिंपल वालों का फेस वॉश यूज करती हूँ, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, खुशबू है फोकस करने और ये बहुत अच्छा फेस वॉश है। सिंपल वालों के इनके प्रोडक्ट अच्छे हैं, इनकी मॉइस्चराइजर क्रीम अवेलेबल है, पाकिस्तान में अवेलेबल है, ऑनलाइन भी मिल जाता है फेस वॉश है। और अगर किसी को ना मिले इंस्टा पे इनका पेज है, वहाँ से भी मिल जाएगा। ये 595 का होता है। ठीक है बहुत अच्छा होता है। अच्छा उसके बाद अगर मैं दिन में निकलती हूँ तो फिर मैं ये बॉडी शॉप की ड्रॉप ऑफ लाइट बड़ी अच्छी इनकी बॉडी शॉप की क्रीम है। मैं गोरी गोरी लगती हूँ, ऐसा लगता है मैंने बेस लगाई हुई है और उसके ऊपर मैं टेंट लगा लाइट जो तेरे पास भी थी बॉडी शॉप पर। नहीं इसके बाद इसके पास वो नहीं है, ये मॉइस्चराइजिंग, ये मॉइस्चराइजिंग भी नहीं है, डे क्रीम है, बस आपको बचा लेते हैं। मगर मैं इसको लगाने से पहले मैं ये ओबीडी वालों का सनब्लॉक है जो आपकी स्किन को थोड़ा सा स्मूथ करता है। इनसे अच्छा सनब्लॉक मैंने आज तक नहीं देखा। मिल जाएगा ये ओबीडी से ही मिलेगा और लाहौर में इनको फोन करके ओबीडी की क्लिनिक पे किसी को भी मंगवाया जा सकता है। अब तो उन्होंने इतना बड़ा अस्पताल खोल लिया तो ये बातें मेरे ख्याल से वो सभा फैसल भी करके गई थी। इनके पास प्रोडक्ट अच्छे, उनकी चीजें अच्छी हैं, तो ये उनका सनब्लॉक आई एम लव विद दिस। मुझे एक्ने प्रॉब्लम हो जाता है, मैं दिन में कभी कभी ये लगाती हूँ, टी ट्री ऑयल या डायलेसिन टी इस तरह की चीज लगा ये बड़ा हाँ, ये तो बहुत अच्छी है क्योंकि मुझे मेकअप वेकअप बहुत ज्यादा करना होता है। तो मैं फिर ये हफ्ते में एक बार जरूर लगाती हूँ, ऐसे ही मतलब धुले हुए मुंह पे, धुले हुए मुंह पे बस एक बार जरूर लगा। मुझे भी जब दाने होते थे तो मैं भी लगाती, लगाना चाहिए वरना बहुत गंदी स्किन हो जाती है मेकअप के बाद। तो और ये लगा के दानों में ना इचिंग नहीं होती। नहीं और सस्ती सी दुकान है, हर लड़की इसमें वो चीज बताऊंगी जो हर लड़की इस्तेमाल कर सकती है और हर लड़की अपने चेहरे पे अप्लाई करेगी तो उसको मजा आएगा। फिजा हमें बता रही थी वो चीजें जो पाकिस्तान में अवेलेबल भी हैं और शायद वो हर किसी की पॉकेट पे आराम से लाइक वो अफोर्ड भी कर, आराम से मिल जाएगा सबको। अच्छा ये स्विस इमेज वालों का बड़ा अच्छा फेस का, हम अभी कहां तक हम रिपीट करते हैं ना एक मिनट। सबसे पहले तुमने फेस वॉश से शुरू किया सिंपल का फिर तुमने फिर तुम गई ड्रॉप्स पे, ड्रॉप्स ऑफ लाइट डे क्रीम और इनको हमने पहले दानों के सनब्लॉक लगाया कोई सा भी अच्छा, जबकि वो भी कंप्लीट सनब्लॉक है। डे क्रीम के अंदर ऑलरेडी सनब्लॉक होता है। हाँ। मगर उसको ये जो बॉडी शॉप की ना इसको लगाने के बाद बेस की जरूरत नहीं पड़ती, बड़ा पिंक टोन हाँ। आता है, बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा तो उसके बाद अगर बहुत ज्यादा स्किन आपको कभी ड्राई लग रही है अपनी और बहुत ज्यादा पैकी स्किन लग रही है तो स्विस इमेज वालों का बस ये क्रीम वाला मास्क है तो इससे बड़ा ग्लो व्हाइटनिंग फेस पे ना इफेक्ट आ जाता है और ये मुंह को टाइट नहीं करता, ड्राई नहीं करता, मतलब एकदम से पहले आपको बुढ़ापे मास्क फील नहीं देता। कब लगाती हूँ ये? वैसे मैं ज्यादा लगाती हूँ, ये मैं हर दो दिन के बाद भी लगा लेती हूँ क्योंकि बिल्कुल क्रीम फॉर्म में बल्कि आपके हाइड्रेट भी कर देता है, क्रीम कर देता है आपके चेहरे को ना, क्रीमी ग्रीसी 10 मिनट बस। हाँ क्योंकि सूखता ही नहीं है ना, बस क्रीम की तरह छोड़ दिया और पूरी नाइट ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं इसको, तो ये वो वाला मास्क है, अच्छा है। अच्छा उसके अलावा अगर मुझे थोड़ा सा लगता है कि मेरा कॉम्प्लेक्शन खराब हो रहा है, बहुत बेसिक हो रहा है क्योंकि हमारी कभी बहुत ड्राई हो जाती है, कभी नॉर्मल हो जाती है और कभी मेरी नाक पे तेल का वो जो है ना पूरा पकौड़ा तला जा सकता है, इतना प्रॉब्लम होता है। तो मैं ये क्लियरेंस वालों के प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छे लगे मगर उनकी ये क्रीम वन ऑफ द बेस्ट लगे। ये भी वाइट प्लस है और व्हाइट प्लस इसलिए क्योंकि मुझे थोड़ा सा रंग निखरा अच्छा लगता है तो ये व्हाइट प्लस की चीजें अच्छी होती है इनकी। इसके अंदर में कभी कभी वो जो ग्लूटा व्हाइट जो ग्लूथॉन की जो कैप्सूल्स होती है वो तोड़ के मैं ग्लूटाथियोन की कर ले, ग्लोरा व्हाइट्स होती है और बहुत सारी ऐसी आती है जो व्हाइटनिंग कैप्सूल्स होती है उसका काट के पाउडर निकाल के तो उसके अंदर मिक्स करके वो भी लगा लेती हूं इसके अंदर ही। हाँ वो फिर सुबह एकदम से ऐसा लगता है कि पता नहीं मुंह को जो है ना आप पता नहीं फ्रेश करके आए। हाँ वो बड़ा इफेक्टिव है मगर महंगी गोलियां होती है तो इसलिए शायद लोग कितनी महंगी होती होंगी जैसे उसकी पूरी एक कैप्सूल की आती है वहां से 5,000 की और पूरा वो खाने की होती है, खाने की भी होती है, मैं कभी कभी खा भी लेती हूँ। अच्छा तो मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुए क्योंकि अच्छा। वो इंजेक्शन वाली चीज है तो मैंने नहीं लगवाई व्हाइटनिंग की मगर ये व्हाइटनिंग की कैप्सूल्स मैंने खाई है। बल्कि ग्लूटाथियोन जो है वो सिर्फ स्किन के लिए नहीं बोन्स के लिए बहुत अच्छा है, मुझे बहुत फर्क पड़ा आपकी हड्डियों के लिए, बड़ा विटामिन, इट्स अ विटामिन एग्जैक्टली। मैंने आपकी एनर्जी आपको एनर्जी देता है मगर ना कभी कभी ऐसा लगता है क्योंकि मैंने भी खाई है बट वो ऐसा लगता है यहाँ पे फंसी के साथ खाओ हाँ और भारी भारी लगता है खाने के दौरान खाना और कभी कभी एसिडिटी करने लगता है। उसका तरीका मैं बताती हूँ, जब तुम खाना खा रही हो उसके बीच में खा लो, वही कह रही हूँ मैं खाने के साथ, लेकिन कभी कभार किसी को हजम करना। अच्छा और दूसरा मैं आपको मसला एक और बताती हूँ, इसके साथ पानी की इनटेक बहुत लेनी पड़ती है। लोग कहते हैं ना ये कैप्सूल्स खानी है, नहीं अगर आपने इस तरह की कोई कैप्सूल्स खानी है आपने पानी की इनटेक ज्यादा लेनी है, उसको एटलीस्ट 1.5 गिलास पानी से पेट से हलक से नीचे उतारना है, मतलब वो सही
अच्छा है ना, अंदर पानी भी चला अच्छा। जैसे कभी बहुत ज्यादा फील होता है ना कि यार आपके जो ही बात हो रही थी कि पहले से शुरू कर देना चाहिए एंटी एजिंग वाली क्रीम्स वगैरह सारी चीजें, ये मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ। ये यूथ पोशन क्रीम है, ये पहले मार्केट में आना बंद हो गई थी मगर अब अवेलेबल हो जाती है ऑनलाइन। लेकिन ये यूथ पोशन क्रीम किस ब्रांड की है? ये ब्रांड नहीं होता, ऑनलाइन मिल जाती है बस। इसको ये यूथ ऐसे यूथ पोशन करके नेट पे गूगल करना पड़ता है तो उसके वो पूरे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, तस्वीर देखेंगे तो पता चल जाएगा यही है। देखिए इस तरह यूं बटरफ्लाई बनी हुई और ये एंटी एजिंग है, ये है ही उसके लिए। इसका पड़ा करती है, मेरी गर्दन में इतनी लाइंस थी, मैं डॉक्टरों के पास जाके कहती थी मुझे यहाँ पे इंजेक्शन लगा दे, यू सी, तो वो कोई मुझे नहीं लगाता था, मेरी स्किन पतली है। तो मैं डॉक्टर हारून नबी के पास भी जाती थी, वो वाहिद ऐसे डॉक्टर हैं कि आपको जबरदस्ती का क्लाइंट नहीं बनाते। अच्छा, लाहौर में मैं कहती हूँ जिनके पास हारून नबी है तो वो उनके पास मैं कहती हूँ, मतलब उनका गॉड फादर है, हसीनाओं का गॉड फादर इज ओनली हारून नबी। अच्छा, वो पैसों की दुकान नहीं है, वो लूटते नहीं है। हाँ, वो आपको फजूल तो में मना कर दिया था कि इंजेक्शन नहीं, उन्होंने कहा इंजेक्शन नहीं, उन्होंने कहा आप एंटी एजिंग क्रीम्स आती है मार्केट में, खुद पता है तो खुद कर लो वरना मैं रेकमेंड कर दूंगा। दो तीन मुझे की थी, वो भी मैंने लगाई और ये भी, मुझे इतना फर्क आया इधर वरना गर्दन की लाइनों पे। हाँ, गाड़ी गाड़ी लाइन है बचपन से, फलाल के भी है ये जीन्स में होती, जीन्स में होती है। हम शायद पता नहीं गलत तरीके से सोचते थे, उससे होता है, लेकिन जैसे मुझे प्रॉब्लम होती है तो मुझे जीन्स में, मैं जीन्स में, मेरी खाला है, अम्मी सब चीजें, मेरी बहनों की हमारी गहरी लाइन। हाँ, अच्छा ये ग्लूटोन सी जो है बड़ी वाइटनिंग क्रीम है। हाँ, मेरे हाथ बहुत काले हो गए थे, मेरा मुंह बहुत काला हो गया था, जब मैं इस तरह से ट्रैवलिंग के लिए जाती हूँ ना टैन हो जाती है, मैं नॉर्दर्न एरियाज जाती हूँ तो मुंह ऐसा हो जाता है कि उसके बाद तो आप अपनी शक्ल देख के कहते हैं नहीं भाई ये तो मेरे घर में पहचान के बगैर। ये क्या, ये सारी चीजें मेडिकेटेड भी बता रही हूँ, अब मैं जो बताना शुरू, ये सारी मेडिकेटेड नहीं, तो ये जो ये किस लिए ये मेडिकेटेड है, ये लगा के इसको आप हल्की सी विटामिन ई कैप्सूल्स के साथ, क्योंकि कभी जब आपका टैन हो जाता है फेस तो आपके चेहरे में ड्राइनेस होती है तो ज्यादा टैन और होता है। हाँ, तो लोगों को समझ नहीं आता, बस लोग ये कहते हैं कि टैन हो गया तो बस अब कोई भी गोरा करने वाली क्रीम लगा लो, नहीं, उसके अंदर अगर मॉइस्चर वाली कोई क्रीम या कोई ऐसी कैप्सूल्स या ऑयल्स ऐसे, अगर बहुत बहुत सारी दफा टैन आपकी ड्राइनेस की वजह से, तो क्रीम तो ऐसे तो क्रीम तो मिल जाती है मगर उसको थोड़ा सा मॉइस्चराइज करके लगाना बहुत जरूरी होता है। तो इससे पहले, इसको लगाने से पहले, ये नाइट में भी यूज करती हूँ मैं, डे में भी यूज करती हूँ इफ आई एम होम, तो मैं क्या करती हूँ कि घर पे पहले जो बादाम का तेल है वो मैंने वो दुकान में जाके सही बादाम खरीद के निकलवाया हुआ है, तो बादाम का तेल जो निकलवा कोलू का बेल बन के निकलवाना पड़ता है, बड़ा मुश्किल होता है, खड़े रहो नहीं देखो कितने बादाम गए कितना निकला, फिर इतने बादाम दो उतना सा निकलता है, तो वो कड़वा होता है, उसकी खुशबू भी कड़वी होती है मगर वही खालिश होता है। उसको क्या करना होता है, पहले गर्म करना होता है, लोग ऐसे ही डायरेक्ट अप्लाई कर लेते हैं वैसे नहीं, हाँ तो सही हीट से गर्म करके पहले उसको हल्का से जैसे बॉइल वाला सिस्टम होता है ना उसको पकाना है, जब वो थोड़ा सा पक जाए, जब वो पक जाए उसको तो थोड़ी सी कोली में निकाल के ना आप उसको थोड़ा सा सौता कर दें, फिर जब हाथ पे पीले तो हल्की सौती स्टीम आनी चाहिए, फिर इधर हथेली में ना ऐसे गरम कर, इससे अच्छा कुछ नहीं है, बस इतनी अब जितनी देर मैं कर रही हूँ इतनी देर उस तेल को करना है, और उसके बाद इतनी हीट होती है फिर यूं 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 मसाज करके ऊपर की तरफ गर्दन ये फिर ये करके ऐसे, फिर उसको मसाज अच्छी तरीके से करने के बाद वो जज्ब हो जाता है चेहरे पे, उसको धोना नहीं है, साफ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सही हो जाता है। उसके बाद फिर या तो ये क्रीम को मैं विटामिन ई के साथ मिक्स करके रात को लगा के सो जाती हूँ, समटाइम्स ये भी करती हूँ, समटाइम्स मैं ये करती हूँ कि मेरे पास ये सारे जो सीरम्स हैं ये इतने एक्टिव हैं, ये मेडिकेटेड है, ये रिजाज वाला का है, रिजाज वालों का ब्लेमिशिंग कंट्रोल है और क्लियर स्किन कर देता है, स्पॉटलेस कर देता है स्किन को, ये बहुत चेंज करती रहती हूँ, कभी कुछ लगाती हूँ कभी कुछ लगाती हूँ, ये एक चीज एक रात में, मतलब अगर जिस चीज की मुझे प्रॉब्लम पड़ रही है हफ्ता चार दिन पांच दिन लगा के फिर मैं दूसरी चीजों पे आ जाती हूँ। ये सीरम बहुत अच्छा है स्किन के लिए, मैं पहले ये सीरम लगाती हूँ अच्छा क्लीन करके, फेस को क्लींजर करके सब कुछ करके, और उसके बाद फिर मैं इन्हीं का ये वाला अल्ट्रा नाइट सीरम है कंप्लीट पैकेज, जब ये भी रिजाज वालों का, जब वो कंप्लीट मेरे पाकिस्तानी प्रोडक्ट है ऑनलाइन मिल जाएंगे, तो जब वो क्लियर हो जाता, और मेडिकेटेड है ये मुझे सारे डॉक्टर्स ने रेकमेंड किए हुए, मतलब कुछ मुझे डॉक्टर ओबीडी ने किए हैं, कुछ मुझे डॉक्टर हारून नबी ने किए, ये दो डॉक्टर्स अच्छे, बट मैं डॉक्टर से पूछे बगैर कोई ऐसी नाइट क्रीम, अच्छी बात है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी रेकमेंड करें, और ये बहुत अच्छे हैं, मेडिकेटेड तो कोई भी चीज अच्छी होती है, तो ये पोर्स को भी लॉक कर देता है, और दूसरा ये वाली जो नाइट सीरम है ना ये एकदम से ना बेबी बेबी फराल फराल वाला टाइप देता है कि मतलब हाँ सुबह मुंह धो तो पता चलता है कि यार इतना नरमी इतनी
मजे की स्किन हो गई। अच्छा गीनो वालों का मुझे ये बहुत अच्छा लगा था, नाइट क्रीम इनकी भी, हाँ ये व्हाइटनिंग इफेक्ट वाली है, ये एकदम से इफेक्ट नहीं करती, महीना डेढ़ महीना लगाते रहो तो लोग ये कहते हैं यार इतनी महंगी क्रीम ली थी तो असर नहीं किया, मगर ये 3 महीने के बाद आपकी स्किन को ना मतलब अपना आदि बना देती है। गीनो वालों की नाइट क्रीम बहुत अच्छी है। अच्छा हाँ ये भी व्हाइटनिंग वाली है मगर बहुत अच्छा इफेक्ट कर, मतलब इनका रिजल्ट बहुत अच्छा। अच्छा एक चीज जो आजकल मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही, वो मैंने काफी पढ़ाई की इस बारे में कि हमारे चेहरों पे विटामिन ए की कमी हो जाती है, बहुत सारे जो ब्लॉकेज, हमारे क्रैक्स, मुंह पे झुर्रियां, हमारे मुंह पे जो कोलेजन बनना खत्म हो जाते हैं, वो डेफिशिएंसी होती है हमारे विटामिन ए की। तो जब हमारे चेहरे पे विटामिन ए की कमी नहीं होगी, हमारी ग़िज़ा में भी हमें विटामिन ए की चीजें लेनी चाहिए, खानी चाहिए और लगानी चाहिए, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। विटामिन ए ये किसी, देखो अब ये मुझे नहीं पता था, इतना मैंने इसके बारे में पढ़ा, मुश्किल से सूट करता है, कुछ लोगों को सूट ही नहीं करता क्योंकि जो रो ऑक्यूटेन जो टैबलेट है दाने खत्म करने के लिए, उसके अंदर विटामिन ए होता है, और ये इतना अच्छा है, मतलब इसके इस जैसे एलर्जी नहीं हो जाती, मेकअप एलर्जी हो जाती है, और कभी विटामिन ए, ये मुझे अभी डॉक्टर हारून नबी ने रेकमेंड किया कि ये इसको नाइट सीरम जो भी आप यूज करती हैं उसके साथ इसको मिक्स करके लगाएं, और अगर आपको ड्राइनेस, फायदा क्या क्या होता है जैसे अगर कोई एलर्जी हो गई है फेस की, वो सुबह तक ठीक हो जाती है, मैं पहले दाने भी ठीक हो जाते हैं, ये एक्ने कंट्रोल करती है, ये कोलेजन प्रोड्यूस करती है, ये आपके हार्ड लाइन रिंकल्स जो है खत्म करती है, झाइयां जो लोगों को बहुत बड़ा मसला है आजकल, हर एक को झाइयों का प्रॉब्लम हो जाता है, तो झाइयां भी कंट्रोल करती है। Hi, this is HSY. If you like what you see and want to see a lot more, you need to subscribe to the AirY Digital YouTube channel.